आप सभी का फेवरेट शो राधा कृष्ण की सबसे अच्छी जोड़ी मलिका और प्यारे उनके बलराम दाऊ की जोड़ी आप सबको ऑन स्क्रीन तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में ऑफिस क्वीन बसंत भट्ट और मलिका सिंह का कैसा रिश्ता है? पहले अगर नहीं तो आज के बाद आपको इस वीडियो को सुनने के बाद अच्छा खास अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर ये दोनों सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि असल में भी इतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं जितना कि राधा और बलराम दाऊ का है। वेल, ऑफिस क्वीन सुमित और मलिका के बाद सामने आया है बसंत भट्ट का एक और खुलासा कर देने वाला वीडियो, जिसमें वो मलिका की जमकर पर्सनालिटी रिवील करते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ पर बसंत भट्ट यानी कि आप सब के बलराम दाऊ ने मलिका के बारे में उनके कुछ स्पेशल चीजें रिवील करते हुए कहा, सो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ मलिका के बारे में। आज से 5 साल पहले लगभग जब मैं मलिका से पहली बार मिला था तो मेरा पहला इम्प्रेशन यही था कि कहीं ये लड़की गूंगी तो नहीं है, क्योंकि कुछ बोलती ही नहीं थी। हम कितनी कोशिश करते थे कि उसे कुछ बुलवा लें, थोड़ा सा वो बोल जाए, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद वो बोलती ही नहीं थी। लेकिन तब वन वेरी गुड टाइम सडनली शी स्टार्ट स्पीकिंग और फिर वो इतना बड़ा बड़ा और इतनी सारी बातें करती है कि क्या बताऊं। कभी कभी तो ऐसा लगता है और ऐसे मौके आ जाते हैं कि उसको चुप करवाना मुश्किल हो जाता है और हमें समझ नहीं आता कि आखिर उसे चुप कराएं कैसे। बात इतनी ज़्यादा करती है और हम तो भूल ही जाते हैं कि ये वही लड़की है जिसे बोलना तक नहीं आता था। ज़्यादा बोलने की ये जो ग्रोथ है मलिका की, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है सबके लाइफ में। एंड आई एम श्योर मलिका की ये जो पर्सनालिटी निकल कर आई है इतने दिनों में जब से उन्होंने शो में कदम रखा है और अब तक, वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है। और हमें तो मलिका का ये रूप भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लिटरली मलिका के बोलने में जो चेंजेस आए हैं उनके ड्यूरिंग द होल जर्नी, वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। वेल, सुमित की तरह अब बसंत भट्ट ने भी मलिका की स्टार्टिंग जर्नी से लेकर अब तक की जर्नी के बारे में ये बड़ा खुलासा कर दिया है कि कैसे मलिका पहले तो कम बोलती थी और अब इतना ज़्यादा बोलती हैं। लेकिन हमें तो मलिका अभी भी कम बोलती हुई नज़र आती है, क्योंकि अगर आप सब ने गौर फरमाया हो तो कोई भी इंटरव्यू सेशन हो, मलिका सुमित के कंपैरेटिव तो बहुत ही कम बोलती हैं और उनको सुनना सबको बहुत अच्छा भी लगता है। तो हम तो उस दिन का वेट करेंगे जब मलिका कैमरे पर भी सुमित की तरह फटाफट बोलती हुई नजर आएंगी और हम सबको उनके बारे में और भी ज्यादा जानने का मौका मिलेगा। फिर कैसी लगी आपको ये अपडेट, कमेंट जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।